नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती सुर्खियों में है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के बीच एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर फॉर्म कब आ रहा है, हम तैयारी कैसे करें। लगातार ये 5वीं साल बाद 18-19 में वैकेंसी आई थी लगातार 48,000 और 49,000 की, उसके बाद 4-5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है और ये पिछले 2 साल से सुनाई दे रही थी कि वैकेंसी आ रही है। हालांकि मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कि अब ये फाइनल है, क्योंकि कारण इसका बस एक है, वर्ष 2024 में चुनावी वर्ष है, तो अब इस वैकेंसी को लास्ट इस ईयर के लास्ट तक इसका पेपर हो जाना है। तो पेपर हो जाना है, पेपर के डेट पे हम कंसंट्रेट करेंगे। फॉर्म कब आ रहा है इस पे कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम की डेट मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा प्रस्तावित है और हो भी जाएगा पेपर, जहाँ तक पूरी उम्मीद लगाई जा रही है और अंदर से बात पता चल रही है। तो अगर नवंबर दिसंबर में हो रही है, मतलब अगर अभी आपका जून महीना खत्म हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 से 5 महीने आपके पास है और हो सकता है 4 ही महीने आपके पास मिले, तो 4 महीने में आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। और इतनी बड़ी वैकेंसी एक बार देखा जाए तो इतिहास की वाकई में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने जा रही है। 52,000 लगभग 53,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पद होते हैं, जिसमें 42,000 केवल नागरिक पुलिस के हैं, उसके बाद पीएससी के भी हैं, उसके बाद जो एसटीएफ होते हैं स्पेशल टास्क फोर्स, उसके भी यहाँ पे क्या हैं पद अधियाचित, उनको मिल चुके हैं और इसका फॉर्म भी आपको हो सकता है 15 जुलाई तक। हालांकि 15 जुलाई को ये बोला गया है कि निविदा निकलेगी कंपनियों के लिए, लेकिन इस बार जैसे रेडियो ऑपरेटर में उन्होंने क्या किया, फॉर्म पहले सबमिट करवा लिया, पेपर कराने की एजेंसी बाद में ये करते रहे हैं, इस बार चांसेस बन रहा है कि 15 जुलाई को हो सकता है नोटिफिकेशन आ भी जाए। और अब सारी चीजें कंफर्म ही होना है, क्योंकि ये आयोग भर्ती बोर्ड के हाथ में होता है कि कब उसे कंपनी को नियुक्त करना है, कब नहीं करना है, कब निविदा जारी करना है, नहीं जारी करना है, वो सब उसकी पॉलिटिक्स है। बस आप इस चीज को समझो कि 52-53 हज़ार पद है, तो हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और ये पूरा सेशन मैं आपको इसी के संदर्भ में लेके आया हूं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। 3 महीने में आपको यहां पर सिलेक्शन लेना है, 15 जुलाई से आवेदन। इसी वीडियो में पिछला कट ऑफ क्या था, सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको कितना स्कोर लाना है और उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किताबें आपकी क्या होनी चाहिए। परीक्षा प्लस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम शुल्क में आपका, लगभग इसे फ्री मान सकते हो, बट मैं निःशुल्क नहीं बोलूंगा, उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ आगे। न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं और ये यूपीपी कांस्टेबल 2.0 का बैच होगा जो आपको परीक्षा प्लस ऐप से मिल सकता है। सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा जो आपके दिमाग में होता है। जब भी आप तैयारी करने जाते हो तो आपके सामने एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य का निर्धारण करते हो कि आखिर हमें पढ़ाई कितनी करनी है, कट ऑफ क्या जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा। तो इससे पूर्व में जो रिसेंट पूर्व में तो बहुत सारी भर्तियां हुई, इससे पहले तो केवल फिजिकल के आधार पे होता था। 18-19 की बात किया जाए, लगभग 50-50 हज़ार 1 लाख वैकेंसी वहां पे कवर हुआ था, एक बार 48,000 एक बार 49,000 बैक टू बैक आया था 2-3 महीने के अंतराल में। तो वहां पे जो ये 2018 वाला कट ऑफ आया था, इसमें जो कट ऑफ गया था जनरल का 225, ओबीसी का 216, एससी का 187, एसटी का 153 और बाकी फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड्स इन सबके 60-60 एक कॉन्स्टेंट रखे गए थे। इसके बाद देखा जाए तो ये जो नया कट ऑफ आया था है ना, उसमें जनरल ये आपका 2018 का ही था, पहले 225 था, उसके बाद कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे लाया गया था, तो 215 यहाँ पे जनरल का गया था और उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारे नीचे हो गए थे। इसमें एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के चेंज नहीं हुए थे, बाकी सभी के चेंज हो गए थे। इसमें महिलाओं का एक अलग कट ऑफ लगा था, वो 181 नंबर गया था, तो महिलाएं के लिए फिर से एक अलग कट ऑफ लगेगा, इस बात को समझिएगा। और ये 49,000 वैकेंसी आई थी 2019 में 2-3 महीने बाद जो उसका फॉर्म आया था, उसमें 185 ही कट ऑफ गया था जनरल का, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो एक जो कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो 180 से लेके 220 तो कहना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना जाना अब मुश्किल लगता है आज के टाइम पे जैसे पेपर बन रहे हैं, बट आप ये मान के चलो 180 से लेके 220 इस फिगर को अभी आप दिमाग में बिठाओ। इस पे मैं अभी आगे आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि ये आपको एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन क्या 180 में आपका काम बन जाएगा, नहीं बनेगा अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तभी। हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 200 या 200 प्लस के आसपास होना चाहिए, और अगर इतना आप टारगेट कर लेते हो तो आपका हो भी जाएगा सिलेक्शन, कोई रोक नहीं पाएगा। 53,000 पद 52,000 पद कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। यूपीएसआई के भी 9,000 पद आ रहे हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। आपके कोई भी कोई डाउट्स हो इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टोटल जो पेपर होता है आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन का होता है, 300 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/4 निगेटिव होता है।
और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 38 37 38 37 का सेगमेंट होता है। ये आपको चार सेगमेंट दिख रहे हैं, बट इसका जो रियल मेन प्रारूप इसका है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर रीजनिंग के, अगर केवल रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग के 55 से ज्यादा, लगभग 56 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के होते हैं। अगर मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स के केवल 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद एक बड़ा चंक आपका क्या होता है, हिंदी होता है 37। तो आपका जो सिलेक्शन होता है, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, वो और किसी नहीं, केवल इन दोनों के बदौलत सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की उन्हें इतना ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है। इसी में आपको जीएस बता दूं, जीएस भी 38 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे करके टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर के बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए किताबें क्या होनी चाहिए, कौन से पीडीएफ हमें पढ़ने चाहिए। पीडीएफ आप लोग हमेशा पीडीएफ की डिमांड करते रहते हो, पीडीएफ में क्या होना चाहिए, क्लासेस आपको किस प्रकार से होनी चाहिए, अगर किसी आप क्लासेस ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे क्या प्रारूप होना चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। इन शॉर्ट में पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी किताबें जो आप देख रहे हो, इसमें अगर आप देखोगे तो चार पार्ट में जो सब पार्ट हैं, जैसे आप मैथ्स वाले में देखोगे तो मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब एक अरिथमेटिक आपका अलग है और रीजनिंग उसमें अलग है। तो इसी कारण से आपका देखो यहाँ पे तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता और संख्यात्मक योग्यता दोनों का और खा वाले पार्ट को अलग अलग किताबें यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। ऐसे ही आपका सामान्य ज्ञान का अलग, सामान्य हिंदी का अलग, और बुद्धि लब्धि, मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता, ये तीनों पार्ट रीजनिंग के पार्ट हैं, इनकी किताबें अलग अलग पार्ट में अलग से की जा रही हैं। दो तीन चीज़ें कंसीडर करना है आपको, दिमाग में रखना है क्या, इस बार एजेंसी आपकी फिर से नहीं होने वाली है, और जब जब एजेंसी नहीं होती है तो जो आपका पेपर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपके सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें जीएस में बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं जो ऐसा लग रहा है कि रेलेवेंट हाई नहीं है, या आज के 5-6 साल पहले वो सिलेबस बना होगा तब से भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट करता चला जा रहा है। यही आपके इससे पहले जो आपका यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें भी, यूपीएसआई का पेपर हुआ उसमें भी, इवन यूपीएएसआई विजिलेंस मिनिस्ट्रियल वाला हुआ था उसमें भी सेम आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं था, पुराने पेपर का ही आपका सिलेबस कट कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया था। अब जब एजेंसी होती है तो एजेंसी क्या करती है, एजेंसी को तो ये बोला जाता है कि आपको एज पर सिलेबस पेपर बनाना है, आपको उसका लेवल बहुत टफ और हाई नहीं रखना है, बहुत लो नहीं रखना है, मॉडरेट लेवल का रखना है, ऐसे रखना है कि वो कांस्टेबल लेवल का हो, वो प्लस टू लेवल का हो, ताकि बच्चे उसे आसानी से कर सके। तो एजेंसियां क्या करती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम करना होता है, वो एज पर सिलेबस बनाती है। तो आप पिछले पेपर से बिल्कुल आप क्या करिएगा, कंपेयर मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि पिछले बार जैसे पेपर आया था उसी लेवल का पेपर इस बार हो, इस बार का पेपर एज पर सिलेबस होगा, इस बात को समझिएगा। और एज पर सिलेबस कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दी होगी, कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि ऐसा सिलेबस चेंज हो सकता है, बहुत पुराना सिलेबस चलता आ रहा है, तो मैं अभी इतना बता दूं इसके बारे में कोई सॉलिड जानकारी नहीं है, कंक्रीट जानकारी नहीं है, बट 95% केसेस है कि इस बार सिलेबस चेंज नहीं होगा, वही जो अभी तक चलता आ रहा है वैसे होगा। बाकी 5% देखो, कोई मेरी बात 100% ऐसा नहीं है कि इन सब मामलों में सही हो, क्योंकि मैं भर्ती बोर्ड नहीं हूं, है ना, वहां पे कई सारे बैठ के लोग कमेटी बैठ के वो डिसाइड करते हैं, बट जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि 95% आपका सिलेबस वही रहेगा। तो आज से ही आपको एज पर सिलेबस तैयारी करना शुरू कर देना है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे फोकस करना है और आपको हिंदी पे फोकस करना है। अगर इन दो विषय पे फोकस कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारा ही फोकस आपको करना कैसे है, टीम परीक्षा प्लस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर रही है, और इससे पहले ही हम लोगों ने इस एक पूरा का पूरा बैच एक साल पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम लोग इसका दोबारा से फ्रेश बैच लेके आ रहे हैं, और फ्रेश बैच में आपको बिल्कुल नई कंपनी जैसे आएगी, उस हिसाब से नए सिलेबस तो नया नहीं होगा, बट बिल्कुल नए तरीके से आपकी इसमें तैयारी कराई जा रही है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 7 पार्ट हैं, भले ही 4 मेजर पार्ट आप देखते हो रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और जीएस, बट इसमें सब पार्ट आप देखते हो तो 7 पार्ट है, और 7ों पार्ट की अलग से किताबें, नवीनतम पाठ्यक्रम सभी विषयों की वीडियो क्लासेस और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको दी जाएगी। क्लासेस आप कई बार देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो, आपको अपने ऐप में डाउनलोड कर सकते हो, आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 4 गुना स्पीड तक देख सकते हो, क्वालिटी चेंज करके देख सकते हो, ये सारे ही फीचर्स आपको इसमें दिए जा रहे हैं। साथ में ही आपको इसमें सेक्शनल टेस्ट की, जैसे आपको क्या होगा कि क्लासेस चलाई जा रही हैं, अब क्लासेस के साथ साथ आपकी कितनी तैयारी हो रही है, बहुत कम कोचिंगें ऐसी करती हैं या ना के बराबर करती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के समय में कोचिंगों का हाल क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एडमिशन ले लो, उसके बाद उन्हें जो भी कुछ पुरानी क्लासेस लगा दो, उसके बाद बस उनका किसी तरह कोरम कंप्लीट करा दो, क्योंकि नया बैच लॉन्च करना है। प्रैक्टिस यूट्यूब पे ज्यादा हम क्लासेस दे देंगे, प्रैक्टिस के नाम पे, एमसीक्यू के नाम पे, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा आएगा, तो यूट्यूब से कमाई होगी, हमारा पेड बैच में नहीं होगा, तो वो पेड बैच को क्या करते हैं,
5 दे लेते हैं, जबकि ब्यूटी वाले को वहाँ पे थोड़ा ग्रेविटी दे देते हैं, और ग्रेविटी केवल एमसीक्यू फॉर्म में, वहाँ पे सिलेक्शन होता नहीं है। मैक्सिमम कोचिंगों का यही हाल है, आप छोटे बच्चे नहीं हो दूध पीते कि आपको ये समझाया जा सके, आप हकीकत जानते हो आजकल के कोचिंगों के, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बट यहाँ पे आपका अगर पेड क्लास, यहाँ पे शुल्क आपको 399 है। रियल में मैं आपको बता दूं कि इसका जो शुल्क रखा गया है वो बहुत ही कम, 340 रुपये रखा गया, प्लस जीएसटी है इसमें, है ना। ये लगभग आपका जो जाएगा वो 399 रुपये लमसम एक सॉलिड फिगर में, 80% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि बैच लगभग 2000 का है। इसमें आपको वो भी केवल इनिशियल वेलकम बच्चों के लिए इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, बाद में ये फीस आपकी बढ़ भी सकती है। इसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस होंगी, क्लासेस सभी की सभी लाइव होंगी, हर एक पोर्शन का, चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, और स्ट्रेटेजिक तरीके से जहां पे आपके सिलेक्शन होना है उस पोर्शन पे ज्यादा ही मेहनत, और जहां से आपका ज्यादा पढ़ के कम आपका नंबर आना है वहां पे टीचर आपको बताएगा कि भाई आपका सिलेबस तो कवर कराया जा रहा है बट आपको पढ़ना क्या है इस चीज को समझो। क्योंकि अगर आप जीएस को ही उठा लो तो जीएस बहुत वास्ट है, अब जीएस के भी पढ़ने के तरीके होने चाहिए। जैसे अब जीएस में, क्योंकि आपका जो है वो प्लस टू लेवल का होता है, इसमें कॉन्सेप्चुअली जीएस नहीं पूछा जाएगा, इसमें स्टैटिक पार्ट का जीएस पूछा जाएगा। इसमें आपके यूपी के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन होंगे, और जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वो आपके स्टैटिक पार्ट में होंगे। जैसे ज्योग्राफी में नदियों के किनारे बसे शहर से पूछ लेता है, कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि देश को राजधानी क्या है, आईलैंड से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फेमस पर्सन, फेमस बुक्स, फेमस पर्सनालिटीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये स्टैटिक से पूछेगा। इतिहास में भी ऐसे आपके वैदिक सभ्यता से जो स्टैटिक पार्ट है कि ऋग्वेद में कौन सा है, कब लिखा गया, या फिर इनकी राजधानी कहाँ पे थी, या फिर ये लड़ाई कब हुई, स्टैटिक पार्ट वाला। और पॉलिटी में भी ऐसे जो आपके अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेद से कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम फैक्ट बेस पे, जैसे डीपीएसपी पूछ लिया, या फिर आपका फंडामेंटल राइट से पूछ लिया, तो वो आपके स्टैटिक पार्ट पूछेगा। तो जीएस में हमें स्टैटिक पार्ट से तैयारी करनी है। हिंदी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वो मैं अभी आपको अगले स्लाइड पे, अगले पेज पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, और आपको, आप जैसे जीएस में बहुत डीप यानी फैक्ट बेस पढ़ना है, तो आपका जो नोट्स होगा वो पूरा का पूरा एकदम रामबाण पीडीएफ की तरह, जितने मैक्सिमम जो आपकी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनका एक कलेक्शन बहुत बेहतरीन आपको जीएस के जैसे कॉन्सेप्ट पीडीएफ तो दी ही जाएगी, साथ में एकदम स्टैटिक पीडीएफ आपको दी जाएगी कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसमें आपके करंट के भी डेटा, उसमें आपके स्टैटिक भी, उसमें आपके कोर जीएस के स्टैटिक, उसमें आपके यूपी, सब कुछ कवर किया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। सेक्शनल टेस्ट आपका होगा हर टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा। इसके अलावा आपके सभी टेस्ट के व्याख्यात्मक हल के जो भी ये सेक्शनल टेस्ट होंगे, इनके पीरियड फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, सेक्शनल टेस्ट है, इसका ध्यान देना। उसके बाद सारे विषय के बुकलेट नोट्स, और बुकलेट नोट्स आपके ऐसे ही होंगे जैसे ये पूरी किताब होंगी, लगभग हर किताब आपके 80 से 190 पेज के ऐसे होंगे, लगभग आप 7 किताब मिला लोगे तो 600 से 700 पेज होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, और ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है। अगर केवल आप इतना पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की भी गारंटी है। बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल्स हैं, बिल्कुल जैसे आपके परीक्षा में पूछा जाना है उस आधार पर पूरा मटेरियल यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही में आपकी समय समय पर क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना समय आपके पास बचा है, इस समय में कौन से हमें टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कौन से विषय को पढ़ना चाहिए, यहाँ पे कौन सा बच्चा लैग कर रहा है, एक एक बच्चे पे पूरे के पूरे बैच में यहाँ पे आपको ध्यान दिया जाएगा। तो आपके समग्र रूप से देखा जाए तो वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट, ये सब कुछ मिला के आपका 340 का बैच है। बहुत ये बहुत ही मिनिमम फीस है, अगर देखा जाए तो 53,000 पद हैं इसमें, और यहाँ पे जहाँ पे कोचिंग है 800, 900, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये केवल ऑनलाइन में, और 6,000, 7,000 रुपये ऑफलाइन में ले रही है, उस हिसाब से 340 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली आप किसी के टेस्ट भी खरीदने चले जाओगे तो 200 रुपये में वो टेस्ट देंगे, और किसी की किताबें आप खरीदने जाओगे तो एक किताब वो 250 से 300 रुपये की देते हैं, जबकि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको सारे टीचर, सारे फैकल्टी, हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग फैकल्टी होंगे। जैसे मैथ्स में आपको खुद पढ़ा रहा हूँगा, रीजनिंग आपको आशीष सर पढ़ा रहे होंगे, हिंदी आपको अरुण सर पढ़ा रहे होंगे, जीएस आपको रमन सर, सर्वेश्वर मिलकर पढ़ा रहे होंगे, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पे सब कुछ कवर कराया जाना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बैच ले लेने से हमारा केवल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बैच ले लेने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बैच लेने के बाद आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत आपको अकेले नहीं हमारे साथ करनी होगी, हमारे सारे फैकल्टी, हमारे सारे टीचर एकदम अपना साम दाम डंडा भेद लगा के पूरा आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और पूरा दिन रात मेहनत करने को तैयार है। आपको भी साथ में मेहनत करना होगा, आपको सबसे पहले क्लासेस लेना होगा, क्लासेस से रिलेटेड आपको नोट्स पढ़ने होंगे जो आपको दिया जाएगा, और इसी पे आपका सेक्शनल टेस्ट कराया जाएगा। ये तीनों चीज एक टॉपिक पे, ये तीन चीज आपका कराया जाएगा, मतलब टॉपिक केवल एक होगी और इस पर तीन चीज आपको मिलेगी। इन तीनों चीज को जब आप पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और आपका ये कंक्रीट भी हो जाएगा।
और ये जो आपका पूरा क्लास और नोट्स होगा ये पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, देखो जैसे आपका रीजनिंग के 56 क्वेश्चन है, हिंदी के 37, अगर केवल इन दोनों को मिला लिया जाए तो आपके 93 क्वेश्चन केवल यहाँ पे कवर होते हैं। जैसे आपने कट ऑफ भी देख लिया, कभी 185 गया तो कभी 215 गया तो कभी 225 गया, 225 भी कम होके 215 गया, मतलब 185 से 215 के बीच में कट ऑफ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत हाई चला जाएगा, 230 चला जाएगा, 230 चला जाएगा, मतलब अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो 115 ही क्वेश्चन हुए। 115 क्वेश्चन में अगर 93 क्वेश्चन आपके केवल कहाँ पे हो जाते हैं, अगर केवल आपके रीजनिंग और हिंदी से कवर हो जाते हैं तो आपके पास बचा ही क्या। और 115 में हाईएस्ट मतलब कि सबसे बुरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जनरली आपका 103 104 क्वेश्चन जाएगा, और 103 104 क्वेश्चन में मोटा मोटा 105 क्वेश्चन ले लूँ, अगर 93 आप यहाँ पे कर लेते तो 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, और उस 12 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, केवल मैथ्स में 19 क्वेश्चन और यूपी प्लस पॉलिटी प्लस करंट में, केवल इन तीन टॉपिक को ले रहा हूँ जहाँ से 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पूरे जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों को पढ़ लोगे तो 34 क्वेश्चन यहीं पर होता है, अगर इसके 60% क्वेश्चन भी कर लोगे तो ओवरऑल आपके 105 से 107 क्वेश्चन यहां पे पहुंच जाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी आपकी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, रीजनिंग की क्या है, जीएस के पार्ट का क्या है, हिंदी का क्या है, मैथ्स में कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको इंडिविजुअली आपको अलग अलग क्लास में अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारे ही वीडियो आपको मिले, देखने को मिले जैसे ही, और बेल आइकन पुश कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको वहां पर नोटिफिकेशन चला जाए। परीक्षा प्लस ऐप पर जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ये जो आपकी क्लास का स्टार्ट, जो क्लास कब से स्टार्ट होगी ये मैं आपको बता दूं, जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी 1 जुलाई से होगी, क्लास स्टार्ट 1 जुलाई से होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका इसका स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बहुत सारे पुराने बच्चे पूछते हैं सर क्या हम नए बच्चे इसमें नए वाले कोर्स में एक्सेस कर पाएंगे, तो ये मैं वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को बोलूँगा, ऑलरेडी हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं तो इस कारण से पुराने बच्चों को नए में थोड़ा सा एक्सेस नहीं दिया जाएगा। हालांकि आपके लिए जो भी हमसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब कुछ मैं आपके लिए कराने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो यहाँ पे फ्रेशर हैं, अब एक चीज़ यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई 2018-19 में वैकेंसी आई थी लगातार 5 साल में, जो लास्ट बच्चा कम उम्र के कारण, मतलब 18 से कम उम्र रही होगी, पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाया होगा, वो तो इस बार क्या हो गया होगा, ओवर एज हो गया होगा, क्योंकि 5 साल में उसका 18 से 22 ही रखा गया है। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, और एज रिलैक्सेशन कितना दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का दे देंगे, तो मुश्किल से जो 18वें साल पर रहा होगा उसको फ़ायदा मिलेगा। फिर भी जो 19वें साल 20वें साल ऐसे बच्चे रहे होंगे जो एक ही बार वहाँ पे देने के पाए और किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो तो चांस से गए, तो ऐसे में सरकार के ये नियम तो बहुत गलत है, इसलिए हम एज रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी आवाज़ तो उठाएंगे, बट फिर भी बाकी सारी चीज़ें बाद में, आपको अभी पढ़ाई पर फोकस करना है। जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं इस बार, फ्रेशर कहने का मतलब जिनका जो 18 से 22 के उम्र के अंतर्गत आ रहे हैं, वो अपना पढ़ाई पे फोकस करें, उनके लिए एज रिलैक्सेशन और तमाम चीज़ों पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, बट ये आपको मैं बता दूं कि इसका जो क्लास स्टार्ट है 1 जुलाई से प्रॉपर चल जाएगा, इसकी फीस 1 जुलाई के बाद से महंगी हो जाएगी, तो अभी से आप इस बैच को परचेस करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सारी ही चीज़ें जैसे आप जुड़ते हो आपको व्हाट्सएप से भी जोड़ा जाएगा और सारी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। कोर्स परचेस करने के लिए परीक्षा प्लस ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें, और अगर कोई समस्या आती है तो आप 91-29-69-70-80 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, 9450006 00 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, वहां से आपको पिक कर लिया जाएगा। ये कोर्स आप कहां से परचेज कर सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप, परीक्षा प्लस ऐप, ये लोगो आप देख रहे होंगे, ये लोगो आप देखेंगे तो यहां से आपको प्ले स्टोर पर जाएंगे, परीक्षा प्लस डालेंगे तो वहां से आपको ये ऐप दिख जाएगा और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।